दोस्तों अभी हम आए हैं प्राग महल में। प्राग महल जी जो दीदी थे उन्होंने इसको 1875 में शुरू करवाया था, उसके बाद ये बन के कम्प्लीट हो गया 1879 में। 30 लाख रुपए उसमें खर्चा आया था उस समय पे, तो उनकी डेथ तो हुई थी 1875 में। उनके बेटे जो थे उन्होंने फिर इसको कम्प्लीट करवाया था बाद में पूरा, तो 75 तो उन्होंने इसको ऐसा बनवाया था कि उनका दफ्तर, बैठने की सभा और रेसिडेंस सब कुछ इसकी महल के अंदर हो, पर रहे कभी नहीं उसमें क्योंकि वास्तु के हिसाब से मार्बल अच्छा नहीं होता है घर में रहने के लिए, तो उन्होंने पूरा मार्बल से बनवाया वो, तो बाद में पता नहीं जो भी उनका हुआ, पर रहे कभी नहीं, रहते थे इसमें। तो खंडर सा महल पीछे दिख रहा है उसमें, इस महल में रहते थे वो सब 450 सालों तक इस महल में रहे हैं वो, क्योंकि ये बना है पूरा चूने से, इसमें कोई सीमेंट नहीं यूज़ नहीं हुई है, ठंडाई भी अच्छी रहती थी तो सारी महिलाएं भी यहीं पर रहती थी राजघराने की, तो ये कभी रहने के काम आ ही नहीं पाया। ये बिग बेन क्लॉक, ये पार्टी जो है उसमें आदमी बैठेंगे, राजा होगा वो आदमी के ऊपर होगा।